गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 8 के फ्लावर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और फ्लावर्स के यूजेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से फ्लावर्स को हम अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर फ्लावर यूज़ किए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं और हम उस शहद को कैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्लावर। व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट। पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है? फ्लावर, फूल होते हैं। जैसे मैंने एक फूल बना दिया, तो फूल क्या होते हैं? फूल पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। ठीक है, फ्लावर ग्रोज फ्रॉम बड। अब फ्लावर उगते कहाँ से हैं? फ्लावर कली से उगते हैं। इस तरीके से आपकी कली होती है, तो ये कली क्या होती है, जब खिलती है तो पेटल्स बन जाती हैं और जब पेटल्स बन जाती हैं, पेटल्स खुल जाती हैं, तो वो कन्वर्ट फ्लावर हमारा बन जाता है। ठीक है, हमने इसको पिक्चर्स के थ्रू पढ़ चुके हैं। फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। और फूलों की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग कलर के रंग होते हैं और अलग अलग खुशबू होती है। सारे फ्लावर्स की एक जैसी खुशबू तो नहीं होती, किसी की कोई खुशबू होती है, किसी की सभी की अच्छी होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज़ अ फ्लावर? फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर ग्रोज फ्रॉम बड। फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। ओके, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज हनी कलेक्टेड। मतलब शहद को कैसे इकट्ठा किया जाता है, शहद को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि मधुमक्खियाँ जब शहद बना लेती हैं, शहद उनका बन जाता है, अब वो क्या करती रहती हैं, शहद की रक्षा करती रहती हैं और हम शहद इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे शहद? तो क्या होता है, जब हनी के अंदर जो सेल होती हैं, जब वो शहद से भर जाती हैं तो वो टपकने लगती हैं, तो जो बी कीपर होता है उसको पता चल जाता है कि क्या शहद टपक रहा है, इसका मतलब शहद बन चुका है और अब शहद निकालने का समय आ गया है। तो क्या करते हैं, हनी इज कलेक्टेड बाय बर्निंग अ फायर अंडर द ट्री। तो पेड़ के नीचे क्या जला दी जाती है, आग लगा दी जाती है। द हीट एंड स्मोक मेक द बीज फ्लाई अवे। और गर्मी और धुएं के कारण क्या होता है, जो फ्लाई बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो उड़ जाती हैं, क्योंकि क्या गर्मी लग रही है उन्हें नीचे से। जैसे ऊपर अगर एक छत्ता बना हुआ है और नीचे से हमने इसमें आग लगा दी, तो क्या होगा, इस छत्ते पर जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं, ये क्या होंगी आपस में, ये क्या होंगी, गर्मी और धुएं के कारण उड़ने लगेंगी, क्या करने लगेंगी, उड़ने लगेंगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो गर्मी होता है, गर्मी और धुआं हनी बीज को उड़ा देता है, एंड दस हनी इज कलेक्टेड इजीली, और हम आसानी से हनी को, शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शहद को इकट्ठा किया जाता है। कैसे इकट्ठा किया जाता है, पेड़ के नीचे आग लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु इज़ अ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन है, फ्लोरिस्ट कौन होता है? फ्लोरिस्ट इज़ अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। मतलब जो फूल बेचते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाला या फिर फूलों का उत्पादन करने वाला, फूलों को पैदा करने वाला, उगाने वाला या फूल बेचने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, FLORIST। फ्लोरिस्ट मतलब होता है, फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर।
फ्लावर्स, फूलों के क्या उपयोग होते हैं। तो फूल बहुत तरीके से उपयोग किए जाते हैं, तो हमने बहुत 10 यूजेस पढ़े हैं, तो हम 10 में से कोई से भी 5 यूजेस या 4 यूजेस इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप लर्न आप पूरे 10 कर लीजिए, सो दैट आपको उन 10 में से कम कुछ तो याद रहेंगे। फर्स्ट यूज है, सम फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक्सेट्रा। कुछ फूलों को हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली है, ये क्या होते हैं पौधे के, मतलब हमें फ्लावर के हिस्से से ही मिलते हैं। तो कुछ फूलों को हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, सम फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर ब्रोकली एक्सेट्रा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, मैनी वुमेन वेयर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज अ गजरा, मतलब कई महिलाएं गजरे के रूप में अपने बालों में क्या पहनती हैं, फूलों को। आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में भी आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो अपने बालों में क्या लगाती हैं, गजरा। क्या लगाती हैं, गजरा। तो वो फूल गजरे के रूप में अपने बालों में क्या पहनती हैं, फूलों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम सच एज रोज लेवेंडर। ठीक है, तो जिन फ्लावर्स की खुशबू अच्छी होती है, जिन फ्लावर्स की खुशबू मीठी होती है, अच्छी होती है, उन फ्लावर्स को हम परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोज़ है, लेवेंडर है। हमने सबकी पिक्चर्स देखी थी ना कि किस तरीके से उनके परफ्यूम्स को बनाया जाता है, कि किस, और हमने पिक्चर देखी थी। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो उन अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स को हम परफ्यूम्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे आपका रोज़ है, लेवेंडर है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ड्राइड फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक पॉट पुरी। पॉट पुरी बनाने के लिए हम सूखे फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था पॉट पुरी क्या होता है। तो पॉट पुरी बनाने के लिए हम सूखे फूलों का इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक रंगोली, फूलों की पंखुड़ियों को बनाने के लिए, फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग हम रंगोली बनाने में भी करते हैं। जब हमें रंगोली बनानी होती है तो हम कलर से भी रंगोली बना सकते हैं और फूलों की पंखुड़ियों से भी हम रंगोली बना सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई थी ना कि किस तरीके से हम फूलों से रंगोली बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे हम मालाओं के रूप में भी फूलों का यूज़ करते हैं, एक दूसरे का अभिनंदन स्वागत करने के लिए भी हम बुके वगैरह का यूज़ करते हैं, और रोज़ पेटल्स से हम गुलकंद भी बनाते हैं, और जो सूखे फ्लावर्स होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, सूखे कलर्स भी बनाते हैं, गुलाल भी बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर्स के बहुत सारे यूज़ हैं। डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स को यूज़ करा जाता है, कारपेट पर, बेडशीट्स पर, ज्वेलरी पर फ्लोरल डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, फूलों से बनी हुई डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। तो फ्लावर्स के बहुत सारे यूज़ हैं, उनमें से आपको कोई भी 5 यूज़ अच्छे से लर्न करने हैं, और जितने आप लर्न कर सकें और अच्छा बात है, जितने आप लर्न कर सकें उतने यूजेस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो एक बार हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा रीड कर लेते हैं और अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ओके, क्या है फर्स्ट, क्या था हमारा, व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर क्या है, फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर ग्रोस फ्रॉम बर्ड, फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज हनी कलेक्टेड, हनी इज कलेक्टेड बाय बर्निंग अ फायर अंडर द ट्री, द हीट एंड स्मोक मेक द बीज फ्लाई अवे एंड दस हनी इज कलेक्टेड ईजली। ओके, नेक्स्ट है, हु इज फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल बेचते हैं उनको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस पढ़े हमने, सम फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर ब्रोकली एक्सेट्रा, मैनी वुमेन वियर फ्लावर
in the hair as a gajra. Next, sweet smelling flowers are used to make perfumes such as rose, lavender, etc. Next, dried flowers are used to make potpourri. Next, petals of flower are used to make rangoli. Okay, तो ये थे आपके चैप्टर 8 के 4 क्वेश्चंस जिनको आपको अपनी EVS की नोटबुक में नोट करना है और सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से रन करना है. अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 9. तो टिल देन यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स. ओके, बाय बाय.